अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा टोटका, एक ऐसा वजीफा जिससे आप अपनी मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए पा लेंगे। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में किसी के लिए बेइंतहा मोहब्बत होती है, लेकिन वो हमारी तरफ पलट कर भी नहीं देखते। हमारे मैसेजेस का जवाब तो दूर, हमारे लिए कभी उनके मुंह से हाय हेलो भी नहीं निकलता है। तो अगर आप किसी ऐसे मोहतरमा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ये वो लोग हैं जो कि एक तरफा प्यार कर लेते हैं, तो उन लोगों के लिए आज का हमारा ये वीडियो है। अगर आप चाहते हैं अपनी मोहतरमा को पाना, अपनी मोहब्बत को पूरी जिंदगी आप मोहब्बत करना चाहते हो, तो आप इस वजीफे को जरूर करें, क्योंकि इस वजीफे में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी बातें जिससे कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जिन पर आप ये वजीफा करने जा रहे हैं उनके भी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे पूरे यकीन के साथ करते हैं तो आपको इसका फायदा जरूर होगा। आपकी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। एक बात का ध्यान आपको रखना है, इसको आपको नाजायज मकसद के लिए बिल्कुल नहीं करना है। जिनसे आप सच्ची मोहब्बत करते हो, आप चाहते हो कि वो आपकी हर बात माने, सिर्फ उन्हीं के ऊपर आपको ये करना है। तो सबसे पहली चीज जो इसके लिए आपको चाहिए होगी वो है, एक बाजार से नींबू लेकर आ जाइए। आपको पीला वाला नींबू लेकर आना है और आपके घर में आपको लौंग मिल जाएगी, साबुत की लौंग होती है, वो आप ले लीजिए। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि जब आप रात के समय, इसको आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको दोपहर के समय करना है, जब सूरज आपके सर पे होता है, यानी करीब करीब 12 से 1 बजे के बीच में आपको ये करना है। तो सबसे पहले नींबू के अंदर आपको एक लौंग डाल देनी है। लौंग जो है वो नींबू के अंदर नहीं जा पाएगी सीधा सीधा, तो आप क्या करें, एक सुई से पहले नींबू में छेद कर लें और उसके बाद उस नींबू को ऐसे ही रखें और उसमें जहां पर आपने छेद किया वहीं पर आप लौंग को घुसा दें। इसके बाद आपको उस दिन कुछ भी नहीं करना है। अगला दिन उसी समय 12 से 1 बजे के वक्त पे ही आपको दूसरी लौंग लेनी है और उसमें डालनी है। लौंग डालने से पहले आपको क्या करना है कि अपनी मोहब्बत का नाम आपको बोलना है, वो भी आपको कितनी बार बोलना है, 21 मरतबा। 21 मरतबा आपको अपनी मोहब्बत का नाम बोलना है और नींबू के अंदर लौंग को डाल देना है। ऐसे ही जब दूसरे दिन जब आप करेंगे तो आपको 21 मरतबा अपनी मोहब्बत का नाम बोलना है। जैसे कि अगर आपकी मोहब्बत का नाम कुछ आपने बोला, उसके बाद आपको वो पूरा एक साथ 21 बार बोल देना है। जब आप 21 बार बोल देंगे उसके बाद आपको वो लौंग उसके अंदर डालनी है। और फिर तीसरे दिन आपको ये काम करना है। इस तरीके से 4 लौंग है तो 4 दिन में आपका ये काम पूरा हो जाएगा। चौथे दिन जब आप इसमें लौंग को डालते हैं नींबू के अंदर, तो उसके बाद आपको उसे लेकर जाना है, नींबू को किसी सुनसान जगह पर जाना होगा जहां पर ही कोई भी आता ना हो, और ऐसी जगह पर आपको इसे डालना है जहां पर बिल्कुल भी गंदगी ना हो, जहां बिल्कुल साफ सुथरी जगह आपको मिल जाए वहां पर आपको इसे गड्ढा खोदना है और उसके अंदर नींबू को आपको दफन कर देना है। इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा कि वहां पर कुछ भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी जगह पर आपको ये काम करना है। और उसके बाद आपको अपने घर आ जाना है, घर आके आपको वजू कर लेना है, पीछे पलट कर आपको नहीं देखना है। एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि पीछे पलट कर आपको नहीं देखना है। इस तरह से आपका ये टोटका हो जाएगा। जो आपकी मोहब्बत है, जैसे ही आप अपने घर पहुंचेंगे वजू करेंगे, तब तक उनका भी आपके पास जरूर कॉल आएगा या तो वो आपके घर पे आ जाएंगे। इस तरह से आपका ये जो आपका मकसद है वो पूरा हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई भी सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों।